हेलो फ्रेंड्स, आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 55, द हाईएस्ट ऑफ दीस इंटीजर इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 55 है। हमसे कहता है कि जो हाईएस्ट इंटीजर है वो बताओ क्या होगा। तो हमें मालूम है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मिडिल नंबर होता है या मिडिल टर्म होता है। ठीक है, मिडिल टर्म होता है। तो इन 25 ऑड इंटीजर्स का जो मिडिल टर्म अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, मिडिल टर्म बराबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो कितने हैं, 25 प्लस 1/2, वो हमें क्या देगा, मिडिल टर्म देगा। एन की वैल्यू इस केस में क्या है, 25 है। तो 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26/2, इट मींस 13th टर्म जो होगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, 13th जो होगा मिडिल टर्म होगा। और इस 13th टर्म की जो वैल्यू दी हुई है, क्योंकि 13th मिडिल टर्म है तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या होगी, एवरेज के बराबर, दैट इज इक्वल टू 55। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट नंबर है उसकी वैल्यू बताइए। तो 13th टर्म तो ये हो गया, इसके आगे कितने टर्म्स और होंगे, 12 टर्म्स और होंगे, तभी तो 25 टर्म बनेंगे। 13th टर्म पे हम हैं, 12 टर्म और जुड़ेंगे तो 25th टर्म हो जाएंगे। चूंकि ऑड इंटीजर्स है तो हर के बाद डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। तो 12 से में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने का डिफरेंस जो आएगा 13 टर्म और लास्ट वाले इंटीजर में वो कितना हो जाएगा, 24 का। इट मींस अगर 13th टर्म 55 है तो हमारा 25th टर्म जो हाईएस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 55 प्लस जो डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे वो है 24, दैट इज इक्वल टू 79। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।